आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सैलाब टॉप 9 में। टीम टनल के सामने पहुंच चुकी है। कुल्लू के मनाला डैम में फंसे बाकी बचे 4 लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। एनडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम, होमगार्ड और स्थानीय रेस्क्यू टीम ने इन्हें डैम से निकाला। डैम में कुल 33 लोग फंसे थे, जिसमें से 4 लोगों को कल निकाल लिया गया था। ये नजारा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है। स्कूल के बच्चे नाव में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। पिछले 6 साल से पुल का निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी भी नहीं बन पाया। एमपी में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में नदी में नाव से बच्चों का स्कूल जाना खतरनाक साबित हो सकता है। ये भोपाल के कोलार डैम का नजारा है। लगातार बारिश होने के चलते डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। आसपास के लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। एमपी के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सीहोर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। एमपी के डिंडोरी के गोपालपुर की ये तस्वीर है। सिवनी नदी उफान पर है और बड़ी संख्या में कांवरिया नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से इलाके में बारिश हो रही है। नदी के पानी से निचला इलाका डूब गया है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में डुलंग नदी का पानी टेम्परेरी बने पुल के बाहर बह रहा है और लोग अब भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नदी पर एक ओवरब्रिज बनाने की मांग काफी दिनों से की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। तस्वीर हर की पौड़ी के पास की है। नदी में कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत टीम ने काफी मशक्कत के बाद इन सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। नदी में स्नान के दौरान 16 कांवरिये नदी में फंस गए थे। राजस्थान के बीकानेर में लगातार बारिश ने काफी नुकसान किया है। खाजूवाला में दुकान, घरों और दफ्तरों में पानी भर गया है। गांवों का हाल तो खराब है। खेतों में लगी फसल डूब गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।